हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल हैं। और यहाँ पे आज देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड, हमारा फर्स्ट चैप्टर, वेयर टू लुक फ्रॉम, डिफरेंट व्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। मतलब अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो कैसे दिख रहा है, यहाँ से कैसे दिख रहे हो, यहाँ से देख कैसे दिख रहे हो तो कैसे दिख रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, स्लाइड व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। हमेशा हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर सादे कपड़े भी मम्मा ने आपको पहनाए हो तो वो आपको बोलेंगे बेटा गोल घूम के देखो, थोड़ा सा फेर के दिखाओ। ये सब आपको क्यों बोलेंगे? बिकॉज कि हर एंगल में बच्चों आप कैसे लग रहे हो, मम्मा हमेशा आपको अच्छा ड्रेस पहना के दिखाती है या देखती है। तो देखेंगे फ्रंट व्यू, साइड व्यू। तो कैसा है फ्रंट व्यू? अगर देखेंगे तो ऐसा है, और साइड व्यू होगा तो ऐसा है। अब फ्रंट व्यू इनका ऐसा है और साइड ऐसा है। सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो टू लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर गिवन फ्रॉम वेयर यू वुड लुक एट देम। ठीक है, आप लोग जहाँ से देख पाएंगे बच्चे उस तरह से आपको ये पिक्चर्स दिए हैं। दोनों सीजन वे दोनों रीज़न से राइट है। कोई भी सीज़न में आप देख लो वो बराबर है। सीढ़ियाँ ऐसी ही दिखती है आगे से, साइड से। अब हियर आर सम पिक्चर्स, राइट डाउन फ्रॉम वेयर यू हैव बुक द सी द थिंग्स गिवन हियर। ओके, फ्रंट है और ये साइड है। तो फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से होगा और साइड से देखेंगे तो इस तरह से होगा। साइड से देखेंगे तो इस तरह से होगा, टॉप से देखेंगे तो इस तरह से होगा, होगा ना? देख लीजिए, यस। तो फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे होगा, स्लाइड से देखेंगे तो ऐसे होगा, स्लाइड से ऐसे, टॉप से ऐसे। तो ये परिभाषा दी गई है बच्चों, और इस तरह से हमें अच्छे से लिखना है और पढ़ना है। सेकेंड पेज में हम देखेंगे वेयर टू लुक फ्रॉम स्लाइड व्यू, फ्रंट व्यू, फोर्थ व्यू एंड टॉप व्यू। सो पेंसिल्स दिए गए हैं, लैपटॉप है, शार्पनर है और टेबल है। टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, बी ए ए बी। तो कौन सा आया? अगर पेंसिल्स ये हैं तो आपको उसका बी पार्ट है, फ्रंट से आपने देखा है तो आप इन पे लगाएंगे। अब लैपटॉप है टू, तो ये होगा ए, तो है ये टॉप से, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ से हम साइड से देख रहे हैं, यहाँ से हम फ्रंट से देख रहे हैं, यहाँ से हम फ्रंट से देख रहे हैं और ये टॉप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो फ्रंट से ऐसे दिखता है, टॉप से ऐसे दिखता है। फिर शार्पनर कैसा है? ए। शार्पनर कहाँ से देख रहे हैं हम बच्चों? हमने देखा इस तरफ से, तो होगा टॉप। टेबल कहाँ से देख रहे हैं हम? तो होगा फ्रंट, है ना? फ्रंट से, टॉप से तो दिख नहीं रहा, टॉप से देखते तो ऐसा होता, पर टॉप नहीं है इसलिए ऐसा। तो आपको थोड़ा सा आपका यूज़ करना है दिमाग और फिर आपको करना होगा, ठीक है। फिर राइट द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर दे हैव व्यू। तो कहाँ से आपने इसको देखा है? तो ये चीज़ हमने साइड से देखी है। ये चीज़ क्या है? यह है बस, और इनको देखा है साइड से। ये है बोट, इनको देखा है टॉप से, ठीक है। तो ये चीज़, फिर डाइनिंग टेबल, टॉप व्यू, तो टॉप हुआ यहाँ से। फिर फ्रंट व्यू हुआ यहाँ से। क्या है ये? रिमोट। ये क्या है? डाइनिंग टेबल। तो ऐसा आपको धीरे धीरे से डिस्टिंग्विश करना है बच्चों। फिर पेज नंबर पहले थ्री किया हमने, देखिए ये है हमारा थ्री, फिर फोर, फाइव,
इस पे हम आए हैं और इस पे हमें दिया है ड्रॉ द टॉप व्यू। टॉप व्यू दिया है तो आपको कैसे करना है, यहाँ दिया है टॉप व्यू तो ये टॉप व्यू आपको लिखना है, ठीक है, ये ड्रॉ करना है तो ये आएगा यहाँ पे। फिर आएगा टेबल जो आपको कैसे देखा है आपने टॉप, तो टॉप से ऐसे आएगा ये हेड यहाँ पे, तो यही आप ड्रॉ कर सकते हो, ये वाला। फिर है बोट, तो हमने बोट देखी थी कौन सी, ये वाली टॉप व्यू से, तो बस यही हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फिर है स्लिपर देखी है तो ये आपको ड्रॉ करनी है, ऊपर से कैसे दिखती है तो ऊपर से देख लो आप एक बार। फिर दिया है आपको ग्लास, बच्चों ग्लास दिया है, पेंसिल दी है और कार दी और गैस स्टोव दिया है। तो यहाँ पे है टेबल, कबोर्ड, लैपटॉप और ग्लास। तो ग्लास में अगर आपको दिया है तो कैसे आपने ड्रॉ किया है, ड्रॉ द स्लाइड व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द टेबल, कबर्ड, लैपटॉप एंड ग्लास, दिस इज द गैस स्टोव ड्रॉन प्रॉपरली, कार, पेंसिल बॉक्स एंड ग्लास। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ग्लास ऊपर से कैसे दिखता है टॉप, फिर गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और ये आपको दिखाना है। फिर है ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स, तो कार, बस, ह्यूमन फेस और स्टार, तो ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। पेज नंबर 6 में स्टंप कैसे होता है, बस कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे कार, बस, ह्यूमन फेस, जैसे आपको आए बच्चों, थर्ड स्टैंडर्ड आपको करना है। फिर है रंगोली, ड्रॉ सम मोर फिगर्स ऑन द डॉट ग्राइंड सिमिलर टू द फिगर्स ऑलरेडी ड्रॉन। तो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, अब उसको आपको फिगर्स ड्रॉ सम फिगर्स ऑफ द डॉटेड लाइन सिमिलर टू द फिगर्स ऑलरेडी ड्रॉन, तो इसको मुताबिक आपको ड्रॉ करना है। जैसे ये है राउंड तो राउंड में आपको ड्रॉ करना है, ये है रेक्टेंगल तो ये रेक्टेंगल के पोज में है तो आपको ये लिखना है, ये थोड़ा सा स्क्वायर में जाता है तो आपको ये स्क्वायर में आपको इसको ड्रॉ करना है। फिर वो आई बारी रंगोली की जो ऑलरेडी हम कर चुके, यहाँ पे आपको जैसी रंगोली पसंद है बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ऐसे ऐसे करके दिए यहाँ पे, ये वाली देख लो, ये वाली देख लो, जैसे आपको पसंद हो ऐसे आप रंगोली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट में आप देखेंगे कि कैसे इनको ड्रॉ करके अच्छे से लॉन्ग बनाया है। तो कौन से हैं, पेज नंबर हमारा 8, पेज नंबर 8 पे हमको इतना दिया है हाफ, अभी आपको इतना कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे, तो इतना आपको दिया है तो आप कंप्लीट करेंगे इतना आपको दिया है आप कंप्लीट करेंगे इतना आपको दिया है आप करोगे कंप्लीट इतना, ओके। अब इतना आपको दिया है आप करोगे इतना आपको दिया है आप करोगे इतना। फिर इन द ग्रोथ ग्रिंट गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, तो काई ड्रॉ करनी है तो देखिए ऐसे करके आपको ड्रॉ करनी है काइट, फिर इनको ऐसे करके ड्रॉ करनी है काइट।
फिर फ्लावर बोट उनको करना है काइट, फिर फ्लावर बोट आप करेंगे उनको। जैसे यहाँ पे दिखाया है, देखिए कितना अच्छे से दिया है, ऐसे करके एक बार फ्लावर हमने किए हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ऐसे फ्लावर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से किया है। ये स्केच पेन से नहीं होगा मुझे यहाँ, बट आप अपने पेंसिल से ज़रूर कर सकेंगे। ये बोट हम ट्राई कर पाएंगे, देखिए। ओके, तो ये आपको करना होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर मिनरल हाफ्स। तो मिरर हाफ्स के लिए हम देखेंगे कैसे इन्होंने हाइड किया है। देखिए ये और ये मिरर होगा, इसका काम और इसका काम सेम होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे हम देखेंगे कैसे कितना अच्छे से इनको बनाया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर इमेज, ठीक है, तो ये हमें दिखाई देता है। फिर ये है डी, ये है लोटस, और ये देखिए ये भी दूसरे प्रकार का लोटस है, ये इनकी लीव्स है और ये दूसरा फ्लावर है। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर मिरर हाफ्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये हुए हमारे 5। फिर इनको देखो, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। ड्यू टू द डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर हाफ्स, राइट एक्स और नो। तो एक्स एंड नो एंड नो, तो लुक एट द पिक्चर्स गिवन एंड द डॉटेड कंडीशंस। तो ये हुए हमारे यस, ये हुए नो, क्योंकि इनका अपना नहीं बन रहा है नो। फिर ये हुआ 8, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।